प्रॉब्लम 45% सोहेल्स सैलरी इज 10,500, देन हिज सैलरी इज, अगर सोहेल की 45% सैलरी 10,500 है तो उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी। सॉल्यूशन फार्मूला देखें, अपान में ऑलवेज 100 लिखें, ठीक है, और हमें जो सोहेल की टोटल सैलरी है उसका मतलब हमें 45% निकालना होगा। सोहेल की टोटल सैलरी में से 45% है 10,500, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। पता नहीं सोहेल की सैलरी कितनी है, उसको लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाइड बाय 45। फार्मूला, जो भी इसकी सैलरी होगी उसका 45% जो होगा वो है 10,500। नाउ लेट्स सॉल्व। माय ब्रदर्स, एक्स सेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेबल लग रही है, टेबल है, 5 की टेबल लगेगी, 45 पे 9 टाइम्स और 100 पे 20 टाइम्स। सो अब ये लिखेंगे हम x मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 10,500, 10,500, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिवाइड हुए हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएंगे तो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 9 हैं ये नीचे आ जाएंगे डिवाइड में बराबर की उस साइड। सो x इज इक्वल टू 10,500 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे देखें 3 की टेबल लग रही है इस पे और 105 पे भी 3 की टेबल लगेगी। ये जो भी जितना भी बड़ा नंबर होता है, कैसे पता चलता है कि 3 की टेबल लगेगी कि नहीं, 5 और एक ऐड कर दें 6, 6 पे 3 की टेबल लगती है, मतलब सारे नंबर पे जो है वो टेबल लगेगी। सो 3 3 9, सो 10 पे 3 3 9, 115, 5 टाइम्स 15, ये 00 सेम लिख दें, 3500। सो इज इक्वल टू 3500 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 3। सो अब 3500 को 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 35 मल्टीप्लाई 2 70, ये 3 जीरोस लगा दें, ये आपके पास हो गया 70,000, ठीक है। 70,000 डिवाइड बाय 3, अगर आप 70,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 233.3 एंड सो ऑन, मतलब कि 23,333 रुपये जो है सैलरी है सोहेल की। टोटल सैलरी ऑफ सोहेल इज 23,333। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे एक नोट करने की बात है मेरे भाइयों, देखें फ्रेंड्स, ये जो आंसर आया है 23,333.3 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन, ठीक है, ये रिक्वायरिंग है। और ये जो है, अगर आप इस जवाब का 45% निकालेंगे तो आपको 10,500 जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आप रखेंगे 0.3, ठीक है। आपको शायद मिल सकता है कि 10,499.9885 और समथिंग, मीन्स आपको जो है एक दो डिजिट कम मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो भी नंबर क्वेश्चन में आना चाहिए उसके लिए लाजमी है, जो मैथमेटिक्स को थोड़ा समझते हैं बेहतर नमूने से, 45% जो भी नंबर का हमें मिला है उसका जो आंसर है परसेंटेज के लिहाज से वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए, डेसिमल वगैरह में नंबर्स के ना हो, जैसे ये डेसिमल में रहा है, कंप्लीट नंबर एक होना चाहिए और उसका लास्ट डिजिट जो है वो सूटेबल हो, लाइक जस्ट लाइक 0 और 5, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे। ये जो प्रॉब्लम है
हर वो क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ में आना चाहिए वो एक मिनट में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन है। एमसीक्यूज़ टेस्ट में लाजमी है कि जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए वो आप एक मिनट में सॉल्व कर लें, क्योंकि अगर 100 एमसीक्यूज़ होते हैं पेपर में तो आपको उसके लिहाज से 100 मिनट ही मिलते हैं, ठीक है। तो अगर ये आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें तो मे बी इट विल टेक टू मिनट्स। सो देयरफॉर ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि डेसिमल में आए और वो भी परसेंटेज के, ये पॉसिबल नहीं है ग्रेड 14 और 15 तक, ठीक है भाइयों। विश यू ऑल द बेस्ट। रेसी वीडियोज़ के लिए जो है हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब करें, टिकटॉक फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।